सॉरी प्रिया, लेकिन आज मुझे ये शब्द तुम्हारे लिए इस्तेमाल करना पड़ रहा है बेचारी, क्योंकि सब कुछ सहकर, सब कुछ जानते हुए भी तुमने कुछ कहा नहीं। तो तुम जा सकते हो, जाना तो तुम्हें पड़ेगा वेदिका। इस घर को छोड़ के लेकर जाइए इस लड़की को यहाँ से। वेट, विल कम बैक, वॉच इट। एक्सक्यूज मी, जस्ट लीव माय हैंड, ओके? प्रिया, किसने रोका तुम्हें? मैंने। तुम्हें ये बात? मुझे सब पता था। राम, झूठ क्यों बोल रहा है यार? तुझे कहाँ कुछ पता था? मैंने प्रिया को कहा कि इस बात को वहीं का वहीं छोड़ दे, कोई एक्शन ना ले, किसी से कुछ ना कहे। मिस्टर कपूर, और आज भी इसी बात पे कायम हूं कि प्रिया किसी से कुछ ना कहे। अपना प्रॉमिस तोड़ नहीं सकती तुम प्रिया, नो रोक टोक। प्लीज, आपको जवाब चाहिए था ना मामे, तो प्रिया से नहीं मुझसे सुन। वो एक्सीडेंट मुझे हर्ट करने के लिए किया था, लेकिन बीच में कौन आया? प्रिया। मेरी ढाल कौन बनी? प्रिया। अपनी जान जोखिम में डाल के मुझे किसने बचाया? प्रिया ने। इस सब के बाद भी आप उसे शर्मिंदा क्यों कर रही? समझ है आपको इस बात की कि प्रिया पे क्या गुजरी होगी? अंदाजा भी है आपको इस बात का कि प्रिया के लिए कितना मुश्किल होगा इस बात का सबके सामने आना कि उसके पिता ने उसके पति की जान लेने की कोशिश की। किस दर्द, किस तकलीफ, किस ह्यूमिलिएशन से ये गुजरी होगी, जबकि इसका कोई कसूर नहीं था। इस बेचारी ने तो कुछ किया भी नहीं था। सॉरी प्रिया, लेकिन आज मुझे ये शब्द तुम्हारे लिए इस्तेमाल करना पड़ रहा है बेचारी, क्योंकि सब कुछ सहकर, सब कुछ जानते हुए भी तुमने कुछ कहा नहीं, और इस बात पे मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है। लेकिन उससे ज्यादा गुस्सा मुझे आप पे आ रहा है मामी। हाँ, रिश्तों की अहमियत क्या होती है? रिश्तों को निभाना तो दूर की बात है, हर बात का बस तमाशा बनाना है। तमाशा, 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 तमाशा। क्या सोच के आपने प्रिया से ये सवाल किए? हाँ, मीरा माँ उनकी परवरिश पे ये सवाल उठाए, क्या सोच के? हिम्मत कैसे हुई आप? मुंबई से आपके गांव के लिए ना रोज बसें जाती है। अगर यहाँ का वातावरण आपको पसंद नहीं है तो आप अपना हवा पानी बदल सकती है, लेकिन मेरे रहते मेरी फैमिली की इंसल्ट कोई नहीं करेगा। इसकी इजाजत मैं किसी को नहीं देता। मेरे लिए मीरा मां मेरी नंदिनी मॉम से कम नहीं है। उनकी बेइज्जती करना मतलब मेरी बेइज्जती करना, यह बात समझ में आई आपको? डिड यू हियर दैट? डिड यू हियर दैट? मुझे एक बात बता रहा हूं, मैं ये कैसे मान लूं कि वो आदमी दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेगा? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो। तुम भूल गए प्रिया की हालत? प्रिया की जगह अगर तुम होते तो क्यों नहीं बुलाई तुमने पुलिस? बुला लेता पुलिस को तो क्या कहता उनसे? मेरे ससुर ने किया ये सब, मेरे ससुर ने मेरी जान लेने की कोशिश की। इनकी और बेइज्जती हो जाती, हाँ, उनके चलते वैसे ही काफी जलील हो चुके। मैं नहीं चाह रहा था ये दोबारा उनको फेस करना पड़े, यही बात है। मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहा था, मैं इन्हें प्रोटेक्ट कर रहा था और हमेशा करूंगा। और ये बात सिर्फ मेरी नहीं है, वो प्रिया भी यही करते हैं। मेरे लिए और प्रिया के लिए हमारी फैमिली में कोई अंतर नहीं। और खुदा ना खास्ता मैं जानता हूं, अगर हमारी फैमिली कभी अकेली पड़ जाए फ्यूचर में,
मैं जानता हूं प्रिया उनके साथ खड़ी रहेगी, मैं हूं ना, प्रिया जरूर रहेगी। ये भी मेरी फैमिली को वैसे प्रोटेक्ट करेगी जैसे आज मैं कर रहा हूं। इट्स जस्ट दैट। तो बेसिकली हम वेट करें, तुम ये कह रहे हो कि हम उस महेंद्र सूद को दूसरा मौका दे तुम पर अटैक करने का। नहीं आंटी, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं होगा। महेंद्र सूद की हरकतों में मैं नजर रखूंगा। इट्स माय वर्ड टू यू। नो आंटी, नो राम, मैं तुम्हें खो सकती थी राम, मेरा सब कुछ खत्म हो सकता था। आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं इस डर से जीऊं जिंदगी भर के मेरे बेटे पर दोबारा कोई अटैक करेगा, इसी डर से मैं कैसे जी पाऊंगी राम। मॉम, आई एम रियली सॉरी, मैं अपना अतीत नहीं बदल सकती, हम में से कोई भी नहीं बदल सकता, पर मैं आपसे वादा करती हूं कि मैं मिस्टर कपूर की परछाई बनकर हमेशा रहूंगी। शादी पे जो मैंने वचन लिए थे ना, वो मैं सब पूरे करूंगी, अपने पति पर कोई भी आंच नहीं आने दूंगी मैं। और अगर तुम उसके साथ नहीं रही तो फर्ज करो तुम उसके आसपास नहीं हो। क्या होगा प्रिया, फिर क्या होगा? मैं आज अपनी माँ के सामने ये कसम खाती हूँ कि अगर मैं ये नहीं कर पाई, अगर मैं मिस्टर कपूर को या इस परिवार को अपने पिता की करतूतों से नहीं बचा पाई, आप जो कुछ भी कहेंगी मैं उससे एतराज नहीं करूंगी, आपकी हर एक सजा मुझे मंजूर होगी, आई प्रॉमिस। ये मामी अब तक गुड न्यूज लेकर आई क्यों नहीं? अगर किसी गुड न्यूज का वेट कर रही हो तो अपना टाइम वेस्ट कर रही हो, वो ही तुम्हें रोकने नहीं आएगा। तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं, वैसे भी प्राइवेट जेट है ना, वेट कर सकता है, और अगर तुम वेट नहीं कर सकते तो तुम जा सकते हो। जाना तो तुम्हें पड़ेगा वेदिका, इस घर को छोड़ के। तुम्हें क्या लगा था कि मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम भाभी को यूज करके क्या कर रही हो? हाँ, आंटी मैं शट अप। आई डोंट बिलीव दिस वेदिका, तुमने भाभी को यूज किया और ये सब कुछ जानबूझकर किया है ना? जानबूझकर तुमने कहा कि महेंद्र ने ये एक्सीडेंट करवाया, जानबूझकर कहा कि प्रिया ये बात जानती थी, है ना? और नहीं तो क्या, क्योंकि इससे पहले से ही पता था कि मेरे पेट में कोई बात नहीं पचती। क्यों कर रही हो तुम, क्यों कर रही हो तुम ऐसा? एक्सेप्ट कर लो वेदिका कि मेरे बेटे राम की शादी प्रिया के साथ हो चुकी है, वो प्रिया का हो चुका है। बार बार तुम उन दोनों के बीच में आ रही हो, क्यों कर रही हो तुम ऐसा? अब तो पीछा छोड़ दो उनका। क्यों कुणाल, बोलो मैं क्या गलत बोल रही हूँ? इस लड़की ने तो सारी हदें पार कर दी, बेशर्मी की, एहसान फरामोशी की, सब कुछ। मेरा बेटा आज भी इतना अच्छा है कि वो तुम्हें हेल्प करना चाहता है, वो छोड़ो उसकी बीवी प्रिया तुम्हें हेल्प करना चाहती है। ये जानते हुए कि तुम राम की एक्स थी। एग्जैक्टली, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? उन दोनों के बीच में गलत फहमियां बढ़ा रही हो, चाल चल रही हो, क्यों? नहीं, मैं अब ऐसा होने नहीं दूंगी। You know what, Kunal? एक काम कर, वो जो रिहैबिलिटेशन सेंटर के डॉक्टर है ना, उन्हें फोन कर और उनसे कहो कि मैंने नंदिनी कपूर ने कहा है कि इस लड़की की दिमागी हालत ठीक नहीं है। She is a threat to my family. और अगर ये चाहते हैं तो वहीं पर उनके पास इसे रखें, और अगर वो चाहते हैं ना तो इसे इलेक्ट्रिक शॉक्स और बेड़ियों में भी बांध कर रखें। Yes. क्या बकवास कर रही हैं? Shut up!
चैन तो मैं तेरे गले में डालती, लेकिन वक्त रहते तेरा असली चेहरा नहीं दिखा मुझे। मुझे तुम्हारा चेहरा नहीं देखना है, इसीलिए मैंने उन्हें पहले ही फोन कर दिया है। आ जाओ अंदर, लेकर जाइए इस लड़की को यहाँ से। Are you serious? Yes, I am. Get out. If wait. I will come back. Watch it. Okay. Get out. Excuse me. Just leave my hand. Okay. कुनाल, बेटा तुम प्लीज उसके पीछे जाओ। पता नहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं बीच रास्ते वापस ना लौट आए। एक मिनट रुको, ले लो, लेकर जाओ। Go. Okay. देख लिया आपने कि मेरे सामने जो ज्यादा मुंह खोलते हैं, मैं उनका मुंह इसे बंद करती हूँ। जो समझदार होते हैं वो समझ जाते हैं, लेकिन जो नहीं होते वो वहीं पर चले जाते हैं जहाँ मैंने आज वेदिका को भेजा है। तो अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको कपूर मैंशन आना है या नहीं। कपूर मैंशन मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, तो कपूर मैंशन को लॉक कर दो। तो आज जो किया ना आइंदा से मत कीजिएगा, समझिए आप, क्योंकि मैं होलिका दहन से वेट कर रही हूँ, सोच रही हूँ कि इन दोनों को कैसे अलग किया जाए। लेकिन आज आपने जो किया उसकी वजह से वो लोग और पास में आ गए, टूटा नहीं उनका रिश्ता, अटूट हो गया। थैंक यू। मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए की। मैंने मांगी नहीं, तो फिर दी क्यों? बिन मांगी मदद मुझे नहीं चाहिए। और नीतू आबे, याद रखिएगा, आज के बाद मैं जो कहूँ उतना ही कीजिएगा, ना ही ज्यादा और ना ही कम, वरना आप भी वेदिका के बगल वाले बेड पर पहुंच जाएंगी, समझी? आप कपूर मैंशन आ रही हैं या आ रही? चलो चलो चलो, मेरा वहां आप आइए, आप बैठिए, प्लीज प्लीज बैठिए। वो सही थी। कौन? सही थी कौन? प्रिया सही थी। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। कौन सी गलती की आपने? मुझे नहीं समझ आ रहा। प्रिया सही कहती थी, वो हमेशा कहती थी कि उसके पिता का श्राप उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, वो उसे कभी भी खुश नहीं रहने देंगे। लेकिन मैं ही पागल थी, पता है ना, मैं इसे वहम मानती थी, मैं तो सपने देखती थी, मैं हमेशा यही सोचती रहती थी कि प्रिया की जिंदगी में सब कुछ अच्छा होगा, खुशियां मिलेंगी, रंगीन सब कुछ अच्छा होगा। और तब पता है राम, आप सामने आ गए और मुझे लगा कि प्रिया की जिंदगी मुझ जैसी नहीं होगी, उसकी जिंदगी में उसे वो सारी खुशियां मिलेंगी जो उसे मिलनी चाहिए। मैं स्वार्थी हो गई थी राम, मैं स्वार्थी हो गई थी और मुझे लगा कि मुझे आपसे उसकी शादी करा देनी चाहिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या कह रही हैं आप? कोई गलती नहीं हुई है आपसे। हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है राम। आपकी किस्मत में मैंने अपनी बदकिस्मती लिख दी राम। ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती। प्लीज मेरा मां संभालिए अपने आप को। क्या कह रही हैं आप? कुछ राम, राम राम सुनिए, मेरी एक बात बस मान लीजिए। आप बताइए कि आपको जो भी सजा देनी है आप मुझे दे दीजिए, प्रिया से कुछ मत कहिएगा। वो बेचारी तो बचपन से ही बिना कसूर के सजा पाती आई है, जब से पैदा हुई है ना तब से, और कुछ हो ना हो पर ये ज्यादती जरूर होती आई है बिना कसूर के सजा। इसीलिए कह रही हूँ उसे कुछ मत कहिएगा आप। नहीं मीरामा, नहीं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्यों कह रही हैं? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं प्रिया से नाराज हूँ? उसे एक्सीडेंट के बारे में पता था या नहीं ये बात मायने नहीं रखती। अपनी जान की परवाह ना करते, उसने मेरी जान बचाई, ये बात मायने रखती है। और रही बात मिस्टर सूद के शराब की,
मैं श्राप आप में बिलीव नहीं करता, इस बात की परवाह नहीं करता। पता है क्यों? क्योंकि मेरे पास ना दो माओं का आशीर्वाद है, उनका प्यार है, उनका हाथ ना हमेशा मेरे सर पर होता है। होता है कि नहीं? और जब तक ये मेरे साथ है, कोई श्राप मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। राम, मेरे बच्चे, मैं और प्रिया कितने नसीब वाले हैं कि आप हमारी जिंदगी में आए। सोचिए, अगर प्रिया के पापा की बात मानकर मैं ये रिश्ता नहीं जोड़ती तो रोज ताने नहीं सुनने पड़ते। पता है आपको, प्रिया ताने भी उसे ही सुनाती है जिसकी वो परवाह करती है। अच्छा जी, अब समझ आया मुझे। वो सुबह शाम जो मुझे मिलती है ना, वो उसकी परवाह की डोज होती है वो। अच्छा, आप सुनिए भैया, रोना बंद कीजिए, मेरी तरफ देखिए। बच्चा कौन है, माँ कौन है यहाँ? हाँ, मेरी बात सुनिए बिना रोए, ओके? मैं ना आपका दामाद नहीं हूँ। दामाद वो पुराना कॉन्सेप्ट है। मैं नहीं, मैं आपका बेटा हूँ, ओके? वो बेटा जिस पे आप उतना ही हक जता सकती है जितना एक जन्म देने वाली माँ। तो आज के बाद आपको अगर कोई भी बड़ा फैसला लेना हो, आप बेझिझक लीजिए, ये सोच कर कि मुझे मंजूर होगा। आपके बेटे राम को तो मंजूर होगा ही। आप मेरे साथ जितनी लिबर्टी चाहे ना ले सकती है, मुझे फॉर ग्रांटेड लें प्लीज। मैं कभी इस बात का बुरा नहीं मानूंगा, कभी कभी शिकायत नहीं करूंगा आपसे, बता रहा हूं मैं आपसे। और अगर की तो आप मेरे कान ना मरोड़ दीजिएगा, तब शांति मिलेगी। मेरी माँ, अच्छा सुनिए मुझे ना, अभी रोना बंद कीजिए अपने आंसू। एक सेकेंड, ये खूबसूरत है आप, बिल्कुल प्रिया पे गए। नहीं, एक्चुअली हुआ गई है, करेक्ट। तो आप प्लीज ये आंसू निकाल करना चेहरा। हाँ, अभी अच्छा लग रहा है, अब ठीक है। तो मुझे चलना चाहिए, क्योंकि मुझे ना प्रिया के बारे में सोच के मेरा दिमाग अभी खराब हो रहा है कि वो कैसी हो गई। आज एक बार फिर उस आदमी ने मेरी माँ का सर झुका दिया, फिर सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। पता था मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे वो हमें, जिंदगी भर हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे कभी। किसी का बाप ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा मेरा है, किसी का नहीं होना चाहिए। बद्दुआ है वो जो अपनी बेटी को मजबूर करते हैं कि वो अपने पति से झूठ बोले, उससे बातें छुपाए। मैं आपकी दोषी हूँ मिस्टर कपूर, मैंने झूठ बोला है आपको, सच छिपाया है, आपको अंधेरे में रखा है। आपको मुझे डांटना चाहिए, मुझ पे गुस्सा करना चाहिए, मुझे घर से निकाल देना चाहिए धक्के मार के, मैं इसी लायक हूँ। मिस्टर सूद का खून इसी लायक है। पर आप किस मिट्टी के बने हैं मिस्टर कपूर? मैं नजरें झुकाने का काम करती हूँ तो आप मुझे सर आंखों पर बिठाते, मैं हाथ जुड़ाती हूँ तो भी आप मेरा साथ नहीं छोड़ते। क्यों, जब मैं कुछ नहीं कहती तो आप मुझे समझ जाते कैसे मिस्टर कपूर?
क्यों मेरी इतनी परवाह करते हैं मिस्टर कपूर? क्यों? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.